वेलकम ट्रेडर्स, वेलकम टू टुडेज इंडेक्स एनालिसिस वीडियो। चलिए देखते हैं कैसे हमें प्लान करना है हमारे इंडेक्स ट्रेड्स में। यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया। बैंक निफ्टी एक अच्छे जंक्चर पे फॉर रिवर्सल ट्रेड। यहाँ पे आप देख सकते हो मॉर्निंग आर में ऑल द वे फ्रॉम 49,000 ऑलमोस्ट एक 1% की डाउन रैली आ चुकी है। मॉर्निंग आर में ग्रीन बॉक्स के आसपास ओपन हो जाता है, फिर एक बार रिट्रेसमेंट आते हैं टुवर्ड्स गैप जोन और वहाँ पे एक रेजिस्टेंस एक्ट कर जाते हैं। रेड डॉट्स का मतलब है यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आता है और उसके साथ आपको डाउनफॉल देखने मिल जाता है। अगर आपने रेड एंड ग्रीन डॉट्स का कंसेप्ट वीडियो देखा होगा, उसमें हम क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं कि रेड एंड ग्रीन डॉट्स हमेशा आपको रेंज फॉर्मेट के साथ ट्रेड करने होते हैं। यहाँ पे रेंज तो बनती नहीं है, नो डाउट यहाँ पे एक वी शेप डाउनफॉल आ जाता है, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करंट जंक्चर पे एक अच्छी खासी रेंज बन रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि ग्रीन डॉट्स मतलब यहाँ पे बाइंग प्रेशर अभी इंटैक्ट है। बाइंग प्रेशर के साथ यहाँ पे एक टेक्निकल लेवल DATR भी अवेलेबल है, तो दैट इज एवरेज टू रेंज। तो यहाँ पे हमें क्या प्लान करना है कि यहाँ पे एक बार रेंज ब्रेकआउट होने दीजिए, फिर जाके आप बेसिकली इनिशिएट कर सकते हैं ऑन दी अपसाइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है कि ग्रीन डॉट्स तो आ गए, बट ग्रीन डॉट्स का ये मतलब नहीं होता कि डायरेक्टली हम जाके यहाँ पे बुलिश पोजिशन क्रिएट करेंगे। जैसे हमने फॉर्मेट बताया, यहाँ पे सस्टेन करने दीजिए, फिर जब ब्रेकआउट हो जाएगा ग्रीन डॉट्स के रेंज के ऊपर, फिर जाके आप बेसिकली इनिशिएट कर सकते हैं ऑन दी अपसाइड। अब चलिए देखते हैं और एक क्या सिनेरियो हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। जैसे अभी पर्टिकुलर वे में 1:30 PM हो रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर समझो यहाँ से प्राइस ब्रेक डाउन कर जाते हैं, मतलब फिर एक बार एक नया लो लग जाता है और फिर एक बार यहाँ से रिकवर कर जाते हैं, मतलब एक फेक ब्रेकडाउन सिनेरियो बन जाता है, सो दैट सिनेरियो इज ऑल्सो अ स्टार सिनेरियो। अगर यहाँ पे फिर एक बार फेक ब्रेकडाउन लगने के बाद यहाँ पे सस्टेन करता है, सो यू कैन गो फॉर अ रिवर्सल ऑन दी अपसाइड एज वेल। यहाँ से अगर ये फॉर्मेट के साथ अगर रिवर्सल मिलता है तो बेसिकली आपके पास एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड भी बन जाएगा। यहाँ से अगर प्राइस अगर ब्रेकआउट कर जाती है तो यहाँ पे एक कैप्ड अपसाइड हो जाएगी, क्योंकि ये जो प्रीवियस ब्रेकडाउन लेवल है ये आपका रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। सो अपकमिंग रेजिस्टेंस लेवल भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक बार अगर ये लेवल टेकआउट हो जाता है, फिर जाके आपका गैप जोन जो होगा वो रेजिस्टेंस लेवल एक्ट करेगा। सो ये थे आज के इंपॉर्टेंट ट्रेड लू के लेवल जिससे आप बैंक निफ्टी प्लान कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी के लिए होती है इंडेक्स OI। इंडेक्स OI से आपको ये पता चलेगा कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पे बिल्ड अप है। तो हमें देखना है कि 915 AM से कौन से लेवल पे सबसे हाईएस्ट सपोर्ट है, सिंस हम रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए प्लान कर रहे हैं। तो इंडेक्स OI डेटा रीड करने के लिए सिंपल अंडरस्टैंडिंग यही है, हमें चार्ट पे देखना है कि कौन सा बार सबसे बड़ा है, दैट इज कौन सा रेड बार सबसे लंबा है और कौन सा ग्रीन बार सबसे लंबा है। ग्रीन बार का मतलब सपोर्ट है, रेड बार का मतलब होता है रेजिस्टेंस। तो हमें चेक करना है ग्रीन बार, तो ग्रीन बार आपको पता चलता है 48,500 एंड सेम वेज अगर आप देखोगे तो 48,500 के आसपास ही ग्रीन डॉट्स आ गए हैं। तो ये जो 100 पॉइंट की रेंज हो जाती है 48,600 से लेके 500, ये क्रूशल रेंज होगी आपकी बैंक निफ्टी के रिवर्सल के लिए। सेम वेज अगर हम इंडेक्स OI का लास्ट 30 मिनट्स या लास्ट 15 मिनट्स का भी डेटा चेकआउट करते हैं तो भी सिमिलर वेज में आपको पता चलता है कि 48,500-600 जोन में एक अच्छा खासा गुड अमाउंट ऑफ अपसाइड अवेलेबल है। नो डाउट आगे जाके 48,000 है, बट दैट इज टू फार अवे एंड राइट नाउ ओनली 1 आवर इज रिमेनिंग इन द मार्केट। तो हमें क्विक रिवर्सल के लिए ये जोन सबसे बेस्ट होगा ऑन द रिवर्सल साइड। तो ये होता है आपकी बेसिकली इंडेक्स OI पर्पस की जानकारी। इंडेक्स डेटा से आपको यही पता चलेगा कि कहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। आपकी एग्जीक्यूशन क्लियर कट आपको देखनी है एज पर प्राइस एक्शन, एज पर रेड एंड ग्रीन डॉट। सो डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ कि हमने इंडेक्स OI देख लिया, हमने डायरेक्टली जाके पोजिशन क्रिएट किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे तो लास्ट 15 मिनट्स में जो रेड बार के जो रेड बार्स है वो नेगेटिव साइड पे, मतलब जो अपसाइड है वो थोड़ी क्लियर आउट होते जा रही है। मतलब यहाँ पे अगर अपसाइड आती है तो हमें क्लियर कट अपसाइड देखने मिलेगी, क्योंकि आपके जो रेजिस्टेंस है वो कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। इसका मतलब है ये माइनस साइड पे जा रहे हैं। अगर ये प्लस होता जा रहा है मतलब यहाँ पे सपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, और माइनस साइड पे जब जाएगा बार्स तो बेसिकली यहाँ पे रेजिस्टेंस है वो घटते जा रहा है। अगर समझो यहाँ पे ग्रीन जो है वो माइनस में चला जाता तो बेसिकली दैट वुड हैव बीन अ लेस नंबर ऑफ सपोर्ट, दैट इज सपोर्ट कम होते जाएगा। बट आज के सिनेरियो में अगर आप देखते हो यहाँ पे रेंज बन रहा है, रेंज के साथ अगर आप इंडेक्स OI चेक करते हो लास्ट 15 मिनट्स में क्या इंडेक्स की स्टोरी चल रही है, डेटा बता रहा है कि यहाँ पे सपोर्ट बढ़ते जा रहा है और रेजिस्टेंस कम होते जा रहे हैं। तो ऐसे बेसिकली आपको डेटा रीड करना है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे हमने मेंशन किया, ये सिर्फ आपका डेटा है, डेटा से आपको बेसिकली एग्जीक्यूट नहीं करना है, एग्जीक्यूशन आपको प्लान करना है एज पर योर कैंडलस्टिक पैटर्न्स, एज पर योर रेंज ब्रेकआउट सिनेरियो जो आपको कंसेप्ट वीडियोस में एक्सप्लेन किया गया है। तो ये था आज का बैंक निफ्टी ट्रेड। तो बैंक निफ्टी तो क्लियर कट है, निफ्टी ऑलरेडी आपको एक अपसाइड दे चुका था, ग्रीन डॉट्स के साथ आपको रिवर्सल मिल गया था। अपकमिंग ट्रेड लेवल उसका रेजिस्टेंस जोन था और उसके कारण वहां से आपको एक डाउनफॉल देखने मिला। करंटली निफ्टी पे कोई ग्रीन एंड रेड डॉट्स अवेलेबल है नहीं।
सो बेसिकली एक क्लियर कंफर्मेशन नहीं है। बैंक निफ्टी के साथ एडिड कंफर्मेशन के लिए आप उसके कंपोनेंट चेक कर सकते हो। एचडीएफसी बैंक मेजर कंपोनेंट अगर आप देखते हो तो वन वे फॉल होने के बाद यहाँ पे ग्रीन बैंड पे सस्टेन करे, सो इट इज अ गुड थिंग कि एचडीएफसी बैंक सपोर्ट जोन पे। आईसीआईसी बैंक के साथ भी अगर आप देखोगे तो फॉल आने के बाद ग्रीन डॉट्स वीकली लेवल एंड 1100 एक साइकोलॉजिकल फिगर, तो ये तीन कंफर्मेशन हो गए। एंड एसबीआई एज वेल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेली सपोर्ट के आसपास यहाँ पे सस्टेन कर रही है प्राइस। सो बेसिकली मेजर कंपोनेंट्स भी एक सपोर्ट जोन पे आ चुके हैं। बैंक निफ्टी के लिए रिवर्सल के लिए एक परफेक्ट सिनेरियो बन जाता है, जस्ट आपका एक बेसिकली यहाँ पे प्राइस एक्शन कंप्लीट होना चाहिए। सो जस्ट दो केसेस हमने क्रिएट किए, यहाँ पे केस वन है या तो यहाँ से ब्रेकआउट हो जाएगा और यहाँ से हमें अच्छा रिवर्सल देखने मिलेगा, या बेसिकली जैसे अभी देख रहे हैं रेड कैंडल बन रही है तो यहाँ से एक फेक ब्रेकडाउन आ जाए, फिर एक बार अगर ग्रीन डॉट्स के ऊपर सस्टेन करता है तो मोस्टली इन द लास्ट 1 आवर यहाँ पे एक अपरैली देखने मिल सकती है। तो ये थे आपके दो सिनेरियो इन बैंक निफ्टी ट्रेड्स। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फेलो ट्रेडर्स। थैंक यू।